अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नजरत नजीर और आप देख रहे हैं आर्ट वर्क बनल साथ। तो जी ये हमारा फर्स्ट वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो जी पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आपके सपोर्ट की वजह से आज हमारे 2K+ सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों ने इतना शेयर किया उसके लिए भी शुक्रिया। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आपके हाथ के बैरियर को तोड़ने से पहले मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर ताकि आपको आने वाले सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रहे। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि हम आर्ट क्यों नहीं सीख पाते हैं। अगर हमें पैशन होता भी है हम उसके बावजूद भी नहीं सीख पाते हैं तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम बिगनिंग में ही, जो बिगनर आर्टिस्ट होता है वो अपना आर्ट पहले ही किसी बड़े आर्टिस्ट से कंपेयर करता है। उससे क्या होता है, उससे ना हम डीमोटिवेट, हम रेफरेंस ले सकते हैं उनसे लेकिन हम अपना आर्ट उनके साथ कंपेयर नहीं कर, लेकिन असल में क्या होता है वो भी कई सालों से सीख रहे होते हैं। तो जी आप में से भी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि वो ये कैलीग्राफी नहीं बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आज के इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आप एक ब्लैंक कैनवस मास्टरपीस में क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी इंशाल्लाह जिससे आप भी इजीली कैलीग्राफी बना सकते हैं और आपके मन में जो भी, ये कुछ आर्ट पीसेस हैं, कैनवासेस हैं छोटे से। आप में से कई लोग अभी देख के यही सोच रहे होंगे कि हम ये नहीं बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ है। ये सब्र, शुक्र और तवक्कल है। ये कैलीग्राफी मैंने बनाई थी कुछ महीने पहले, तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी डिटेल में। तो जी आज का वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आर्ट वर्क बनल साथ तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको ही फ़ायदा मिल सके। तो जी आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं लूँगी 20x24 inches का कैनवस जो कि जसो प्राइमड है, फाइन आर्ट का। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन अगर जसो प्राइमड हो तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको फिर उस पर प्राइमर नहीं लगाना होगा। आप फाइबर कैस्टल या फिर फाइन आर्ट किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जसो प्राइमड कैनवस हो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना हो तो उस पर प्राइमर लगाना ज़रूरी है। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो है, हम जब कोई आर्ट बनाते हैं, हम जब कोई कैलीग्राफी बनाते हैं चाहे कैनवस पे हो या फिर हम कोई फ्रेम उसका बनाएं, तो हमारी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम खुद ही जो है बैकग्राउंड बना डालते हैं जबकि हमें ये मालूम नहीं होता है कि अगर हमें पहले कॉम्बिनेशन देखनी है। हमें ज़रूरी होता है कि हम जब कपड़े लगाते हैं तो ऑब्वियसली हम पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कौन सा कलर मतलब किसके साथ सूट करेगा। तो हमें पहले जो है जब हम कैनवस बनाते हैं तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कैनवस पेंटिंग करें तो अगर आप ब्लैक कैलीग्राफी बना रहे हैं, जो आपका जो आप कैलीग्राफी कर रहे हैं अगर आप वो ब्लैक से बना रहे हैं, ब्लैक कलर से, तो आप कोई उसका जो है आप कोई कॉम्बिनेशन कलर देख लें जो आपको ऐड करना है बैकग्राउंड में। ऐसे ही खुद से नहीं हम कर सकते हैं कि हमने अगर ब्लैक बनाया तो उसके साथ कोई भी अपना फेवरेट कलर हमने ऐड किया उसमें, तो वो बिल्कुल भी हमारा जो लुक है उसका वो बिगड़ जाएगा। तो हमारा ये क्या रहता है, हमारा मकसद भी यही होता है कि हम जब कोई कैलीग्राफी बनाए या फिर कोई आर्ट पीस तो उससे दूसरा भी जो है इंस्पायर हो, उससे दूसरा भी जो है मतलब वो अट्रैक्टिव हो, कुछ ऐसा हो जिससे दूसरा भी अट्रैक्टिव हो जाए। तो जी मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी कैनवस पेंटिंग बनाए, कैनवस कैलीग्राफी बनाए, तो आप सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखा करें। तो क्वेश्चन आप पे यही अराइज होता है कि हम कॉम्बिनेशन कैसे देखें, हमें उसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं
कॉम्बिनेशन कलर्स के बारे में, मतलब ब्लैक के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन कलर ठीक रहता है, और नॉर्मल बाकी सारे कलर्स जो है जब भी हम कोई कैनवस पेंटिंग बनाते हैं, लाइक हमने कोई कैनवस इंपोर्ट किया ठीक, तो उसके साथ उसमें हमने ब्लैक कैलीग्राफी की, तो हमें उसको जो है पहले देखना है कि हमें कौन सा उसके साथ कॉम्बिनेशन कलर लगेगा। तो आप जो ये इन सारों में जो है मैंने पहले कॉम्बिनेशन देख ली है, मतलब इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन, ये वाले कैनवस जो है ये A3 साइज के हैं, तो इनको भी मैंने कॉम्बिनेशन कलर देख लिया था और ये कॉम्बिनेशन कलर पे बने हुए हैं। आप भी ऐसे ही कर लिया करें ताकि आपको भी इजी हो जाए और आपका आर्ट पीस भी जो है वो अट्रैक्टिव दिखे, ताकि उसमें जो है अगर 10 सालों के बाद भी हमारा कोई आर्ट देखे, हमारा कोई भी कैनवस या कुछ भी कोई आर्ट पीस देखे, तो वो ये ना बताएं कि उसको कुछ मालूम नहीं था या कुछ भी। तो हमें पहले कॉम्बिनेशन कलर ज़रूरी देखना चाहिए, जैसे हम कपड़ों में कॉम्बिनेशन देखते हैं फिर जाके हम लगाते हैं कपड़े, वैसे ही हमें अपने आर्ट में जो है ज़रूरी है कि हम कॉम्बिनेशन कलर देख लिया करें। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें, मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है कॉम्बिनेशन कलर देखने में। आप इजीली गूगल से सर्च कर सकते हैं कॉम्बिनेशन कलर्स, मतलब ब्लैक के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन कलर या मतलब ठीक रहेगा, येलो के साथ कौन सा कलर, ऐसे ही आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इनमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक कलर की कैलीग्राफी की है, रेड कलर का बैकग्राउंड और बाकी सारे कलर्स आप देख सकते हैं, और उसमें उस वाले भी मैं भी मैंने जो है ब्लैक कलर की कैलीग्राफी, वाइट बैकग्राउंड और बाकी कॉम्बिनेशन कलर्स। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं इजीली, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी सर्च इंजन से। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल भी आज का वीडियो स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे आप ये दो कैनवासेस देख सकते हैं, इनका साइज़ जो है दोनों का A3 है, और आप ऐसे देख सकते हैं मैंने इसमें ब्लैक कलर की कैलीग्राफी की है, रेड इसका बैकग्राउंड रखा है और बाकी सारे कलर्स आप देख सकते हैं, और इसमें भी मैंने ब्लैक कलर की कैलीग्राफी की है और वाइट कलर का बैकग्राउंड और बाकी सारे कलर्स आप देख सकते हैं मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन में चूज़ किया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हमें तो नॉलेज नहीं है इसकी कॉम्बिनेशन कलर्स देखने की। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है गूगल पे सर्च करना है कॉम्बिनेशन कलर्स, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे ऐसे ही जो मैं जैसे मेरे कुछ फेवरेट कलर्स हैं मैंने उनके साथ कोई कॉम्बिनेशन कलर देख लिया है, तो आप भी ऐसे ही देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जो है कॉम्बिनेशन कलर्स देखने हैं, आपको कौन सी कैलीग्राफी करनी है उसके साथ कौन सा कलर बेस्ट रहेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें यही टूल्स जो है आज यूज़, यही मटेरियल हमें कैलीग्राफी में यूज़ करना है कैनवस पेंटिंग में। तो हमें कुछ ब्रशेज लेने हैं, और ये जो ये स्मॉल साइज का ब्रश है ये हमें डिटेल फिल करने के लिए, और ये रॉ वाटर, और ये जो है क्योंकि एक्रेलिक पेंट में हमें ज़्यादा जो है हम वाटर हमें ऐड करना ही पड़ता है, और ये जो है ये हमारा कलर प्लेट है और ये एक्रेलिक पेंट, ये मैंने ब्लैक कलर का लिया है डिटेल फिल करने के लिए कैलीग्राफी के लिए। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, और ये पेंट मार्कर है और ये एक्रेलिक कलर्स हैं। तो जी आप कैलीग्राफी में अपने हिसाब से अल्लाह पाक का नाम लिख सकते हैं या कोई भी कुरानिक वर्स हम लेंगे। तो जी मैं यहाँ पे लूँगी, मैंने यहाँ पे सूरह रहमान की आयत नंबर 47 फबी आई आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तो आज हम इसी की कैलीग्राफी करने वाले हैं। तो जी कैनवस कैलीग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पेंसिल होता है, या फिर पेन आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि जब हम ट्रेसिंग देते हैं पेंसिल से, अगर हमें कुरान कोई वर्स लिखनी है या फिर अल्लाह पाक का नाम, तो हम डायरेक्टली उस पर ब्रश यूज़ नहीं कर सकते। ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास उतनी स्किल्स हो, तो जो हमें पहले हम ट्रेसिंग देते हैं उसमें फिर हम डिटेल्स जो है फिल कर सकते हैं आराम से। तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पेन यूज़ करूँगी क्योंकि जब फिर हाँ फिर पहले जब मैं इसको ट्रेसिंग दूँगी तो इससे क्या होता है, अगर मैं पेंसिल उसमें यूज़ करूँगी तो मेरा जो डिज़ाइन है जो मैंने पहले ही ट्रेस किया हुआ है, फिर जब मैं उस पर कोई कलर लगाऊँगी बैकग्राउंड का, हम पहले तैयार करेंगे उसके बाद हम फिर उसमें जो है डिटेल्स फिल करेंगे, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो रब हो जाएगा।
और हमें दिखेगा भी नहीं, तो मैं उसके लिए जो है मैं पहले पेन यूज़ करूँगी। हमने लिया है फाइन आर्ट का 24x20 inches का कैनवस, जो कि आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है 385 के आसपास आपको मिल सकता है।
तो जी आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और ये था आज का हमारा वीडियो, इस्लामिक कैनवस कैलीग्राफी पेंटिंग फॉर बिगनर्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स में वो बता सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।